एक आदमी के दस्तखत पर जितने लोगों की बहाली हुई, किसी से जमीन लिया गया, किसी से मकान लिया गया, किसी से घर बनवाया गया, पूरे भारत में ग्रुप डी का कागज का लिस्ट बना बना करके बहाली कर दिया गया। 2004 से लेकर 2009 तक एक व्यक्ति भारत का रेलवे मिनिस्टर बन गया। वो पिछले 10 साल से जेल में थे, छूट के आए हैं और उनका पूरा खानदान डिस्टर्ब हो गया। आज भी पेशी होती है उसी बहाली। माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी थोड़ी सी इस बात की तकलीफ है। नॉर्दर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, पूरे बिहार के लोगों को, सभी जोनल मैनेजर्स, तो कम से कम गलत काम करने वाले कई राज्यों के मुख्यमंत्री आज जेल में नहीं। पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, ये उसी व्यक्ति का। और मैं एक और चीज पूछता हूँ। एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी वैसे तो दूरगामी है, लेकिन ये सब कानून अगर थोड़ा पहले आ गया होता, आप जनरल साहब मेरी बात सुनिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी थोड़ी सी इस बात की तकलीफ है, थोड़ा पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, 20-25 साल पहले बने होते, तो कम से कम गलत काम करने वाले कई राज्यों के मुख्यमंत्री आज जेल में नहीं होते। उनको भी समझ में आ गया होता कि कानून इस देश का ऐसा बना हुआ है कि हम गलत करेंगे तो जेल चले जाएंगे। अब उसके बाद देखिए, अब रोज हम सुनते हैं कि इस राज्य के मुख्यमंत्री, फलाने मुख्यमंत्री जेल चले गए, और कुछ लोग जेल जाने से परहेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम नोटिस ही नहीं लेंगे। ये सब परिस्थितियां इसलिए आती है महोदय कि 2004 से लेकर 2009, अब देखिए इस देश में क्या होता है, और आप उससे प्रभावित हैं, आप उस कुर्सी पर बैठे प्रभावित हैं। 2004 से लेकर 2009 तक एक व्यक्ति भारत का रेलवे मिनिस्टर बन गया जो उस राज्य का मुख्यमंत्री था। मैं चुनाव हार गया महोदय। 2004 से लेकर 2009 तक पूरे भारतवर्ष में, जिसमें महाराष्ट्र में भी था जोन में, बंगाल के भी जोन में, नॉर्दर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, पूरे बिहार के लोगों को, सभी जोनल मैनेजर्स, भारतवर्ष के रेलवे के जोनल मैनेजर्स उस समय के जो इसमें बैठते हैं, उन्होंने पूरे भारत में एक आदमी के दस्तखत पर उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बीमार थे फिर जेल चले गए, अच्छे है, मेरा संबंध कोई खराब नहीं है उनसे, पूरे भारत में ग्रुप डी का कागज का लिस्ट बना बना करके बहाली कर दिया गया। अब आप मत पूछिए, सबको आप ही जेल भेजते हैं आजकल। और वो पूरा का पूरा, महोदय मैडम आपको याद है, और आज क्या है, जितने लोगों की बहाली हुई, किसी से जमीन लिया गया, किसी से मकान लिया गया, किसी से घर बनवाया गया, और आज भी वो पिछले 10 साल से जेल में थे, छूट के आए हैं और उनका पूरा खानदान डिस्टर्ब हो गया। आज भी पेशी होती है उसी बहाली को लेकर के, आज भी पेशी होती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी अगर होते, शॉर्ट कर लीजिए वो दर्द, हम आप ही का बात बता रहे हैं, आप ही का बात बता रहे हैं, आप ही के राज्य का। समय के अनुसार बिल पास करना जी जी मैडम, आप भी प्रताड़ित, आपके भी बच्चे, और उससे बुरा क्या होता है पॉलिटिकल लोगों के, जब इस प्रकार की बहालियां होती हैं तो लोग हम लोग के पास आते हैं। अब महोदय ऐसा होता है कि लोग अभी परीक्षा का अभी एप्लीकेशन डाल देते हैं कि हमें परीक्षा लेना है, और परीक्षा के एप्लीकेशन को लाके एमपी साहब को देते हैं, मेरी बहाली करा दीजिए। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हम लोगों ने ऐसी परंपरा बना के दिखाई है कि परीक्षा होने से पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के आधार पर एमएलए एमपी को देते हैं भाई बहाली करा दो। जी 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 जी, जो बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं मैडम जी जी, बहुत दो को बिल और पास करना है। हम तो भी सिद्धांत, अभी तो मैम 5 मिनट, आप तो मेरी राज, अब तो आप, हम लोग सब साथ चुनाव में जा रहे हैं मैडम, इतना जल्दी जल्दी कीजिएगा, अब तो खत्म हो गया। दो बिल और आने वाला है। अच्छा, आप जो आपका बात हम कभी टाले हैं मैम, बिहार के हित में हम कभी आपका बात टाले हैं, मैं खत्म कर देता हूँ। अच्छा लग रहा है, बोल रहे हैं सब सच्चाई है, अब सुन लीजिए, लेकिन समय का थोड़ा सा पता नहीं। आप मैम, मेरा घड़ी तो ठीक काम कर रहा है अभी? नहीं नहीं, हमारा तो 5 मिनट तो होवे किया है, 15 मिनट। अच्छा, हमको चिंता ये है मैडम, देखिए ये जो प्रस्ताव आया है, जो बिल आया है, इसका समर्थन हम लोग पूरे भारत, और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा सदन का, और आज कितना अच्छा अच्छा बात विपक्ष के लोग कर रहे हैं, कल इन लोग कहता तो कितना अच्छा लगता।